होनी चाहिए, हमारी सुरक्षा के लिए होती है, इसलिए केवल उसकी आलोचना या उपद्रवों के द्वारा पुलिस को निशाना बनाना ठीक नहीं है। उसके काम को भी समझना चाहिए। पुलिस देश की शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का काम बिना किसी धर्म या जाति देख कर करती है, जरूरत के समय पर मदद भी करती है। पुलिस किसी की दुश्मन नहीं है, पुलिस शांति की दोस्त है, पुलिस व्यवस्था की दोस्त है, इसलिए सदैव उसका सम्मान किया करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि एक मोदी जी के शब्द दिल्ली पुलिस के हर जवान को उत्साह प्रेरित करने वाले। आज इस माध्यम से देश की जनता को भी कहना चाहता हूँ कि कई बार व्यंग्यात्मक कहानों और व्यंग्यात्मक बातों से पुलिस की टीका करने वाले जो लोग होते हैं उनको हम जरूर सुने, सुनने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ये भी नजरअंदाज न करें कि देश की आजादी के बाद 35,000 से ज्यादा जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान, जान का बलिदान देश की सुरक्षा और देश की कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिया। चाहे वो क्वार्टर हो, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे रोड हो, चाहे ग्रामीण हो, हर जगह पे पुलिस का जवान ही कहना होता है कि हमें सुरक्षित और सुनिश्चित करता है। हमारे लिए अनेक त्योहार, चाहे हम दशहरा मनाए, दिवाली मनाए, होली मनाए, रक्षाबंधन मनाए, अगर पुलिस के लिए हर त्योहार जिम्मेदारी का निर्वहन करने का मौका, इतनी जिम्मेदारी के साथ जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं उनका सम्मान देश के हर नागरिक के हृदय के अंदर होना चाहिए, ऐसा मेरा देशवासियों को भी बड़े हृदय से अपील है।